तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग गाइस। अभी का सीन कुछ इस तरह का है कि गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि भाई के आप ना जो इब्राहिम लिंकन है उसका स्केच ड्रॉ करो। तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये ड्रॉ करने लगा हूँ, और आप इंजॉय करें और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वहाँ चलते हैं, तो चलिए। तो गाइज, अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि गाइज मैं जो पेपर है उसके इर्द गिर्द जो है टेप लगा रहा हूँ ताकि वो हिले ना। और तो अभी ये देखें गाइज, अभी मैं जो स्केल के साथ मैयर करके फिर ड्रॉ कर रहा हूँ। और आउटलाइंस, पहले तो आउटलाइंस ही ड्रॉ होती हैं और वही कर रहा हूँ मैं, और आप इंजॉय करें। तो फाइनली गाइस, अभी हमारा थोड़ा थोड़ा तो नहीं, तकरीबन फेस का जो आउटलाइंस है वो तो ड्रॉ हो गई हैं लिंकन की। और अभी जो मैं इसके बियर्ड करता हूँ ड्रॉ। तो अब हमारी जो आउटलाइंस है वो तो ड्रॉ हो गई, अब करते हैं शेडिंग। तो गाइस, शेडिंग जो है वो अब आप देखें कि मैं कैसे कर रहा हूँ। मेरे पास एक ब्रश है जो कि नॉर्मली जो मेकअप वाला होता है गाइस, ये वही मेकअप वाला ब्रश है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ शेडिंग के लिए। और अभी ये बाल, उसके जो हेयर हैं और उसके अंदर भी गाइस ऐसे ही शेडिंग। गाइस, शेडिंग करते वक्त आपने बस यही चीज़ को देखना है कि जहाँ डार्क है वहाँ आपने डार्क, मतलब जो आपकी जो पेंसिल है आपने उससे डार्क शेडिंग करनी है, और जहाँ आपको लग रहा है कि लाइट वहाँ लाइट, उस हिसाब से आपने शेडिंग करते जाना है। और आहिस्ता आहिस्ता आपको आपका जो जो स्केच है वो नुमाया होता नज़र आएगा। गाइस, नॉर्मली जो बियर्ड और हेयर के लिए जो यूज़ होता है वो चारकोल पेंसिल होती है, जो हेयर और बियर्ड जब आप कर रहे होते हो, मतलब बना रहे होते हो, तो आप उससे बनाते हो। तो अभी मेरे पास नहीं है, तो अभी तो मैं उस नॉर्मल जो स्केच पेंसिल है उसी से बना रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास है तो आप उससे करें, उससे ज़्यादा अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। गाइज, अगर आपको शेडिंग करनी आ गई है ना, तो आपका जो आधा काम है ना स्केचिंग का वो तो समझे हो गया, क्योंकि गाइज आपको पता लगने लग पड़ेगा आपका जो स्केच है वो रियलिस्टिक लगने लग पड़ेगा।
एट द एंड गाइस, जब आप जो आपने साइड्स पे आपने जो टेप लगाई थी, जो आपने स्कॉच टेप लगाई थी, वो जब आपका स्केच कंप्लीट हो जाएगा तो उसके उतारने के बाद आपको उसका पता लगेगा कि आप बहुत प्यारा रिजल्ट पाएंगे गाइस। वैसे फ्रेम लगता है, तो आप जब भी स्केच बनाएं तो आप ज़रूर साइड पे आप स्कॉच टेप ज़रूर लगाएं। गाइज, आज का स्केच मेरा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरे ये स्केच पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा, और आप मुझे बता भी सकते हैं कि अगला मैं स्केच किस पे बनाऊं। और मिलते हैं अगले वीडियो में या ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।